स्वागत है दोस्तों थोड़ा सब का अपने चैनल जी एस अपडेट्स से एक होर नवी वीडियो दे विच लैके आ चुके हैं सब दे लई जमात 12वीं लाजमी पंजाबी सितंबर प्रीख्या दे लई फुली सॉल्ड पेपर। सो समा 3 घंटे दिता जाएगा तो कुल 80 अंक का तुहानू यह पेपर आएगा। सो पूरी जानकारी विद सल्यूशन तुहानू अज इस वीडियो दी जाएगी। इस वीडियो अंत तक जरूर देखना तो नाल ही चैनल करके सबसक्राइब नाल ते घंटी बटन में जरूर दबा लवो क्योंकि इस चैनल उपर तुहानू इस तरह फुली सॉल्ड पेपर देखने को मिलते रहेंगे। सजा समा वेस्ट ना करते हुए चलो आज इस वीडियो शुरू करते हैं। जमात 12वीं लाजमी पंजाबी सितंबर प्रीख्या समा 3 घंटे तो कुल 80 अंक तुहानू यह पेपर आएगा। नोट 5 अंक सुंदर लिखाई लिए निर्धारित किए गए हैं। यह अंक इस प्रश्न पत्र के कुल अंक 80 विचों राखवे हैं। फिर है प्रश्न पत्र के कुल 10 प्रश्न हैं, सारे प्रश्न जरूरी हैं। सो पहले तो स्टार्ट करते हाँ, यह प्रश्न सुंदर लिखाई लिए राखवा है। सो 5 अंक तुहानू सुंदर लिखाई लिए दिए जाएंगे। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि कुल 30 अंक के पूछे गए हैं। पा गूड़ा एक या दो शब्दों में उत्तर दिओ। क्वेश्चन है फस्ट वैदिक सभ्यता का महान ग्रंथ केड़ा है? उत्तर आएगा ऋग्वेद। दूसरा होली का त्यौहार किस देसी महीने विच मनाया जाता है? उत्तर आएगा होली रंगा नाल संबंधित मौसमी त्यौहार है जो फग्गण महीने की पूर्णमाशी नूं भारत के कई प्रांतों विच मनाया जाता है। फिर है तीसरा वगदे पाणी नाँ दी कविता दे कवि दा नाँ दसो। आंसर आएगा डॉक्टर दीवान सिंह काले पाणी। नीली कहानी का मुख पात्र का नाँ दसो। उत्तर आएगा नीली। पंजवां अपने हथी अपने आप ही काज सवारी है इस दी वरतों कदों हुंदी है? उत्तर आएगा इस अखाण की वरतों अपने हथी किते काम की महानता रसाउण लई कीती जांदी है। जो भी मैं तुहानू क्वेश्चन दिखा रहा वैरी वैरी इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम दे विच पूछे जा सकते हैं। सो सारे क्वेश्चन तुसीं ध्यान नाल जरूर नोट करने ने। फिर अपने कोल पाक आड़ा बहु चोणवे प्रश्न। क्वेश्चन है मनुख की सर्वपक्षी विकास का स्रोत कि चीज़ है? उत्तर आएगा ऑप्शन ईडी खेड। फिर है पंजाबी सभ्याचार पाठ डैश का लिखा होया है खाली थान भरन लई विकल्प की चोण करो। उत्तर आएगा ऑप्शन ऊड़ा डॉक्टर बरिंदर कौर। तीसरा को न चली बाबा त्याई अखाउत किस भाव लई वरती जाती है? उत्तर आएगा थोड़ा जिहा काम करके थक जाण ते बहाने लभना। चौथा प्रश्न प्रोफेसर पूरन सिंह की कि कविता तुहाडे पाठक्रम विच दर्ज है? उत्तर आएगा ऑप्शन ईडी पुराने पंजाब नूं आवाजा। पंजवां प्रश्न किहड़ा पात्र अपने देश कहानी का है? उत्तर आएगा ऑप्शन ऊड़ा निरंजन सिंह। सो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इतने अपना पाक आड़ा कंप्लीट हुंदा है। तो नाल ही चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो क्योंकि इस चैनल के उपर तुहानू इस तरह सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। सो जेकर चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया है तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लवो। सो पाक ईडी वल वधदे हाँ। हेठ लिखे कथनों विचों दसो कि किहड़ा कथन सही है तो किहड़ा गलत। सो सही गलत नाल संबंधित प्रश्न। सो जिमें कि पहला क्वेश्चन है हिमालिया ते हरियाणा राज 1 नवंबर 1969 नूं होंद विच आए। सो इसका आंसर आएगा गलत, 1966 दे विच होंद दे विच आए सीगे। सो ये अपना गलत। उस तो बाद है अड्डी छड़प्पा जां अड्डी टप्पा कुड़ियां दी हरमन प्यारी खेड है? आंसर आएगा सही। फिर है रूहां अटकण नाल डिगदियां नहीं? उत्तर आएगा गलत। फिर है अपने देश कहानी का पात्र निरंजन सिंह पंजाब विच अध्यापक लगा हुंदा सी? उत्तर आएगा सही। सारे पास्यों समस्यावां तो मुक्त व्यक्ति लई अगे सप ते पिछे सी अखाउत ढुकवीं है? उत्तर आएगा गलत। सो ये सही गलत नाल संबंधित प्रश्न। फिर है कोई दो प्रश्नों के उत्तर लिखो। सभ्याचार की परिभाषा की है? उत्तर आ जाएगा सभ्याचार किसी खास खिते विच वसदे लोगों की जीवन जांच हुंदी है। इस विच उन लोगों का रहन सहन कदरां कीमतां विचार रुचियां विश्वास खाण पीण रीति रिवाज पहरावा बोली दिल परचावे दे ढंग ते तिथ त्यौहार आदि शामिल हुंदे हन। सो इसी पहले प्रश्न का उत्तर। फिर है प्रश्न आड़ा मनुखी जीवन विच रस्मां रिवाजां का की महत्व है? उत्तर आएगा मनुखी जीवन विच रस्मां रिवाजां का भारी महत्व है। यह भाईचारक जीवां दे मानां दीआं शिकां सदरां ते जज्बियां की तर्जमानी करदियां हन।
ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਉਣੇ, ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆੜੇ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਅੱਡੀ ਛੜੱਪਾ ਜਾਂ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉੱਤਰ, ਅੱਡੀ ਛੜੱਪਾ ਜਾਂ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਈੜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਫਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਖੇਡਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਪਰਚਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਡਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। 7 ਅੰਗ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। 7 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੈਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਾਕ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰ ਮਿਤੀ, ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਵਿਸ਼ਾ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਲੈਟਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਦਾ ਉੱਤਰ ਫਿਰ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਸੋ 4 ਅੰਕ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1/3 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ। ਸੋ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਫਿਰ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਪੈਰਾ 234 ਵਰਡਸ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 78 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਉੱਤਰ ਫਿਰ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹੈ 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 3 ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ। ਸੋ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਆਹਾ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੱਸਾ, ਭਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਵਾਚਕ, ਭਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ,
अमीर है ते पर बहुत कंजूस है, साधारण वाक। ओह अमीर हो के भी कंजूस है। कक्का सिर्फ माँ ही बच्चे नू पाल सकती है, नावाचक माँ तो इलावा बच्चे नू कोई नहीं पाल सकता। सो ए सी कंप्लीट उत्तर। फिर है हेठ लिखी अखौता विचों किसे तीन नू वाकों विच वरतो जां उन्हां दी वरतों दियां स्थितियां दसो। सो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। जिमें कि पहला है अगे सप ते पिछे सी। इस अखाण यह अखाण उदों वरती जाती है जदों आदमी मुश्किल जां डर कारण ना अगे जा सके ते ना पिछे मुड़ सके। ते हुण तुसीं इसदा वाक नोट कर सकते हो। फिर है अपने हथी अपना ही कार्ज सवारी है। यह इस अखाण की वरतों अपने हथी किते काम की महानता दर्शाने लई की जाती है। भाई गुरबाणी कहती है अपने हथी अपना ही आपे ही कार्ज सवारी है। सो जेकर तुसीं चाहुंदे हो कि तुहाडा काम समय सिर ठीक ठाक हो जाए तो तुसीं पराई आस छड के आप ही काम विच जुट जावो। फिर है सारा जानदा देखिए अद्धा देइए वंड। थोड़ा नुकसान करा के बहुता धन बचाया जा सके तां बचा लेना चाहिदा है। जदों मैं देखिया कि मेरे घर पए काले धन दा आमदन टैक्स विभाग नूं पता लग चुका है तां मैं फटाफट अपने काले धन नूं आमदन टैक्स विभाग दे नियमां अनुसार नसर करके सारा टैक्स ते जुर्माना भर दिता। इस प्रकार मैं सियाणियां दे कथन सारा जांदा देखिए अद्धा देइए वंड दी नीति ते चल के बहुता सारा धन बचा लिया। फिर शेर दुद्ध पानी ते वी सिर पानी घूमर घूमर फिरे मदानी। घटिया चीज़ का माण बहुता करना। सो हुण तुसीं इसदा वाक नोट कर सकते हो। फिर है हाहा कुत्ता भौंके बदल गजे नाओ वड्डे नाओ वसे। यह अखाण उदों वरत्या जाता है जदों कोई काम कुछ भी ना करे तो रौला बहुत पाई जाए। सो इसका भी तुसीं वाक नोट कर सकते हो। फिर है प्रश्न 9 किसी एक कविता का केंद्रीय भाव लिखो। पुराने पंजाब नूं वाजां चुम चुम रखो जां ताज महल तिन्नां दे विचों किसी भी एक का केंद्रीय भाव लिखना होगा। सो चुम चुम रखो का केंद्रीय भाव माता जी तो जी जंग विच गए वड्डे सपुत्रां अजीत सिंह ते जार सिंह की बड़ी चाह अते तीबरता नाल उड़ीक कर रहे सी परंतु उन्हां दी जंग विच शहीद हो जाण दी खबर सुन के उस दा मन दुख नाल भर गया। फिर है किसी एक कहानी का सार अपने शब्दों में लिखो। सो ऑप्शनस ने नीली करतार सिंह दुग्गल। सो हुण तुसीं कंप्लीट सार नोट कर सकते हो। तुहानूं स्क्रोल करके दिखा देना। इस नूं तुसीं स्क्रीनशॉट भी लैके रख सकते हो ते नोट भी कर सकते हो। सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो जेकर हजे तक नहीं किया है। फिर है जां फिर अपना देश संतोख सिंह तीर दोनों विचों किसी भी एक का तुसीं सार लिख सकते हो। सो ये फुल सॉल्ड सैंपल पेपर जमात 12वीं पंजाबी लाजमी का। उम्मीद तुम्हें पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट तक। बाय बाय टाटा धन्यवाद।